24 में मैं हूँ आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। झारखंड से सटे ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र तिरिंग प्रखंड के रामबेरा में ग्रामीणों और ईचा डैम से प्रभावितों के साथ ईचा खरकई बांध विरोधी संघ के अध्यक्ष वीर सिंह बुरीओली की अध्यक्षता में जन जागरण सह जन आंदोलन चलाया गया। सचिव सुरेश सोए के द्वारा ईचा खरकई बांध से बचाव के संवैधानिक स्वरूप पर चर्चा कर जागरूकता अभियान को सफलतापूर्वक संचालन किया गया। अभियान का नेतृत्व करते हुए संघ के अध्यक्ष ने कहा कि ईचा डैम से झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी और मूलवासी विस्थापित हो रहे हैं। झामुमो के वादा खिलाफी से 126 गांव के खूट कंटी रैयत आज भी आंदोलनरत हैं। संघ इसे रद्द करने के लिए झारखंड तथा उड़ीसा में संयुक्त समन्वय स्थापित कर अभियान चलाएगी। जन आंदोलन चलाकर झारखंड के 87 गांव और उड़ीसा के 37 गांव को संगठित करने का काम किया जाएगा ताकि इस महाविनाशकारी ईचा डैम को रद्द किया जा सके। ईचा खरकई बांध परियोजना से रामबेरा मौजा से विस्थापन के उपरांत ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय और धर्म उपासना विश्वास की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार रोजगार एवं गरिमामय जीवन जीने संबंधी अधिकारों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के मद्देनजर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। रामबेड़ा गांव में ईचा खरकई बांध विरोधी संघ कोलान के उड़ीसा और झारखंड के संयुक्त विस्थापित लोगों के साथ बैठकें आयोजित की गई और आने वाले समय में विस्थापितों के दुर्दशा और यहां के विस्थापन से होने वाले दंश के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। आज हमारी माताएं बहनें बच्चे हमारे साथ में हैं और हम लोग देख सकते हैं कि 126 गांव जो झारखंड उड़ीसा में संयुक्त रूप से डूब क्षेत्र में प्रभावित होने जा रहे हैं, इससे हम लोग किस तरह से बचेंगे इसको लेकर हम लोग गांव-गांव और डूब क्षेत्र में अभियान चला रहे हैं। का बहुद्देशीय परियोजना जो गुजू डैम के नाम से जाना जाता है, यह संविधान के उपबंधों कई अधिनियमों कई कानूनों से असंगत है। भारतवर्ष में जो आदिवासी मूलवासी लोग रहते हैं जिन्हें संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के रूप में सूचीबद्ध है, ये वास्तव में इस भारत देश के मूल लोग हैं जो खुटखटी रैयत अधिभोगी रैयत अनाधिभोगी रैयत और बंदोबस्त रैयत के नाम से जाना जाता है। इन्हें 1950 में संविधान आदेश के द्वारा इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। हम इस रामबेड़ा गाँव में आए हुए हैं और ये रामबेड़ा गांव भारतवर्ष के मूल लोगों का निवास स्थान है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24।